हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाई हूँ बैंगन का बहुत ही टेस्टी भाजा। आप इसे चावल दाल के साथ या रोटी के साथ आराम से खा सकती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ऐसे गोल वाले बैंगन लेना है, देखिए कितने प्यारे और कितने अच्छे लग रहे हैं ना। उसके बाद उसे कटिंग कर देना है ऐसे गोल गोल पीसेस में। उसके ऊपर आपको डालना है हल्दी पाउडर, फिर आपको डालना है धनिया पाउडर का मसाला, इसमें जीरा पाउडर भी है और मिर्च पाउडर भी। स्वाद अनुसार लेना है आपको नमक। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मिर्च लहसुन का पेस्ट, आप थोड़ा आधी का भी पेस्ट, इसमें अदरक पसंद है तो उसमें डाल सकते हैं। ये डाल रही हूँ बेसन। अब बेसन डालने के बाद ना इसे क्या करना है, अच्छे से ना मिक्स कर देना है। इसमें पानी का यूज मत कीजिएगा क्योंकि नमक डाली है ना, तो ये थोड़ा बहुत पानी छोड़कर रेडी होता है, इसी में आपको मिक्स कर देना है। देखिए मैं कैसे मिक्स कर दे रही हूँ, वैसे आपको मिक्स करना है। अगर और आप मिर्च लहसुन का पेस्ट बनाना चाहती हैं तो थोड़ा अधिक कर सकते हैं। फिर आपको लेना है एक तवा, तवे पे गिराना है ऑयल, उस ऑयल में एक भाजा ऐसे रख देंगे, ऑयल में ही रखिएगा नहीं तो ये नीचे पकड़ लेते हैं। उसके बाद जब नीचे से पक जाएगा तो ऐसे उलट देंगे इसे। तो देखिए दोनों तरफ से जो है अच्छे से पक गए हैं। अब इसका प्लेटिंग कर लेते हैं। अगर आपका तवा बड़ा है तो उसपे आप दूर रख कर भी पका सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बनाकर बिल्कुल रेडी कर दिया है सारे भाजे को। उसके बाद थोड़ा सा धनिया का पत्ता ऐसे मैं गिरा दे रही हूँ थोड़ा कलरफुल दिखने के लिए। एक मैं चेक कर दिखाऊंगी कि कैसे ये बनकर तैयार हुए हैं। देखिए मैं हाथों से ऐसे मसल रही हूँ, अंदर से बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स।